खबर इंडिया 7। और भाषा कैसी इन लोगों की, एक विधायक की बताऊं भाषा में, दो विधायकों की बताऊं भाषा, इनके नेताओं की भाषा बताएं। कहराना चुनाव होने जा रहा है, कह रहे हैं कि अगर यहाँ दूसरे दल के लोग जीत जाएंगे तो दिवाली कहाँ मनेगी, पाकिस्तान में मनेगी। हम तो कभी नहीं गए पाकिस्तान, हमारा तो वीजा भी नहीं है पाकिस्तान का। बीजेपी के बताएं चुपचाप खीर खाने कौन गया था पाकिस्तान, खीर खाने चले गए खुद, खीर खाने जाते हैं आप लोग। और चुनाव होने जा रहा है, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम मर जाएगा तो 50 लाख समाजवादी सरकार देगी। हम तो कहते हैं हिंदू मर गया, अब 50 लाख क्यों नहीं दे रहे हो आप? हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो हमें बदनाम किया था। वो वीडियो हमारे पास, रात भर मैंने वो वीडियो देखे हैं जिसमें आपके लोगों ने भाषण दिए थे कि अगर मुसलमान मरता है तो समाजवादी सरकार 50 लाख देती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं जो हिंदू मर रहे हैं उनको 50 लाख कब दोगे तुम? और मैं कहना चाहता हूं ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। हिंदू मुसलमान की खाई पैदा कर करके हम लाभ नहीं लेना चाहते हैं। हम तो कहना चाहते हैं आप ध्यान हटाना चाहते हो, क्योंकि चुनाव में आपको जवाब देना पड़ेगा। खेत में गन्ने खड़े हैं, गन्ना अभी भी नहीं काट पाया किसान, चीनी मिलों में नहीं लिया है अभी तक, इतना बकाया किसानों का कभी नहीं हुआ होगा जितना बकाया अभी किसानों का है। यही तो सरकार कहती थी कि हम आ जाएंगे तो 2 हफ्ते के अंदर पूरे किसानों का भुगतान कर देंगे। अब हमें सरकार बताए कि 10,000 करोड़ जो किसानों का बकाया है चीनी मिलों पर, वो भुगतान कब होगा? और किसानों का खेतों में गन्ना खड़ा है, वो गन्ना का भुगतान कब मिलेगा? कब गन्ना उनका साफ होगा खेतों से? हमारे अगर समाजवादी लोग गन्ने का सवाल को लेकर भी जाएंगे तो आप लाठी मारते हो गन्ने के सवाल पर? नौकरी हो, उज्ज्वला रोजगार मिलता हो, महंगाई मुद्दा हो, GST में सालों गए वो मुद्दा हो, लेकिन ये सरकार जैसे ही चुनाव आया है ध्यान हटाने के लिए मुद्दे ला रही है। ध्यान हट जाए असली मुद्दों से। इसलिए हम अपनी जनता से अपील करेंगे, वहां के लोगों से समाजवादी पार्टी का सहयोग दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ भी रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुद्दा दूसरा हो, हम चाहते हैं मुद्दा गन्ना हो। वो चाहते हैं कि नौजवान भटक जाए, बहक जाए, हम चाहते हैं नौजवान की नौकरी रोजगार का सवाल हो। GST ने जिस तरीके से बर्बाद किया है व्यापार, नोटबंदी का असर अभी भी दिखाई दे रहा, ये सवाल है। और वहीं जो सरकार वर्जिन काउंटर कर रही है, अरे इनका निशाना अच्छा हो, उनकी मेहनत अच्छे करना है, अंदर तो जाए कुत्तों को पकड़े, क्यों नहीं पकड़े कुत्तों को सीता देंगे? देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।